365 न्यूज आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। लॉकडाउन स्टेज 2 की शुरुआत होने से पहले ही हमारे राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञ प्रिंस अजवानी ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी को सलाह दिया था, अगर उस पर अमल हुआ रहता तो आज यह समस्याएं नहीं आती। आपको बताते चले कि उन्होंने प्रिंस अजवानी जी के सलाह को सराहनीय एवं अमल करने योग्य बताया था, जैसा कि हमारे खबर 365 न्यूज और गांडियो समूह अखबार जन मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे में लॉकडाउन सेकेंड स्टेज शुरू होने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जन समस्या को लेकर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से हमारे अमरकांत जी और प्रिंस अजवानी जी को फोन कॉल आ रहे हैं तथा लोग मिलने भी आ रहे हैं। इसका समाधान के लिए हमारे हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संरक्षक एवं सामाजिक और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिंस अजवानी जी ने प्रत्येक वार्ड के मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना खुलवाने की बात कही थी, ताकि समस्या का कुछ हद तक निदान हो सके। आइए दिखाते हैं कि खबर 365 न्यूज के संवाददाता ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से बात की तो उन्होंने क्या कहा। परसों हमने यही निर्णय लिया कि हमको इस समय जो भी जरूरतमंद है राज्य के अंदर सबको भोजन देना है। एक तरह से कहिए यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और हमने जनसंख्या को 3 भागों में बांट रखा है। एक वो वैसे लोग जो कार्डधारी हैं, राशन कार्डधारी, दूसरा वो जो राशन कार्ड के लिए एप्लीकेशन दिए हैं, तीसरा वो जो गरीब हैं लेकिन ना तो दरखास्त दिए हैं और ना ही उनके पास कार्ड है। तो तीनों कैटेगरी के लोगों को हमको अन्न की व्यवस्था करना है, खाद्यान्न की व्यवस्था करना है, हम तीनों के लिए कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जन समस्याओं जन मुद्दों को उठाते हैं तो हमारे खबर 365 न्यूज चैनल में और गांडीव अखबार भी है, तो प्रिंस अजवानी जी और अमरकांत जी ने ये बातें पहले भी रखी थी सर कि वार्ड वाइज या मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की जाए सर, तो उससे क्या होगा कि हमें दिक्कतें नहीं आएंगी, तो इसके बारे में सर आपकी सलाह अच्छी है, इसमें दो मत नहीं, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें हैं। उतना बर्तन कहाँ से आएंगे, एक और खाना बनाने वाले कहाँ से आएंगे, ये दो व्यवहारिक दिक्कतें हैं। लेकिन हम लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, हर पंचायत में 2-3, कहीं बड़ा पंचायत है 4 जगह भी दीदी किचन चल रहा है। इस तरह से हम सबको खिलाने में सरकार हेमंत सरकार कामयाबी हासिल कर रही है। तो जैसा कि सर ने कहा कि हमारी राज्य सरकार जो है कामयाबी हासिल कर रही है और हर कोई भी राज्य की जनता भूखे ना रहे, इसमें एक अथक प्रयास कर रही है। तो बने रहिए हमारे साथ खबर 365 न्यूज के साथ, मैं रुचि सर।